हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं 3 दिनों का ग्रीन गॉडेस डाइट प्लान, जो ग्रीन गॉडेस सैलेड पे बेस्ड है, वो दिखाने वाली हूँ। ये डाइट मेरे रॉ मील प्लान की तरह है, जो कि है नो कुक डाइट। ग्रीन गॉडेस सैलेड काफ़ी फ्लेवरफुल, टेस्टी और वीगन फ्रेंडली है। इस डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बैलेंस्ड हैं और आप पूरे दिन फुल और एनर्जेटिक रहेंगे। अगले 3 दिन आपको सुपर हेल्दी रॉ ग्रीन सब्जियाँ खानी है और इससे आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट और वेट कम होगा और बॉडी डिटॉक्स होगी। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रीसेट और तेज़ होगा और आपकी स्किन और बाल भी काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। तो चलिए इस डाइट को शुरू करें। दिन की शुरुआत 1 ग्लास क्लोरोफिल के पानी से करें। क्लोरोफिल इसलिए क्योंकि ये ग्रीन डाइट है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिससे पत्तों को ग्रीन कलर मिलता है। लिक्विड क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिगमेंट का एक्सट्रैक्शन है और मेरे पास ये अल्फा के क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट है। ड्रिंक बनाने के लिए 2.5 ml क्लोरोफिल या जो आपके बॉटल में लिखा है लें और 1 ग्लास पानी के साथ मिक्स करें। इसे खाली पेट पीना है। क्लोरोफिल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन्स B, D और E और कैल्शियम और पोटेशियम, जिससे बाल और नेल्स की ग्रोथ बढ़ती है। क्लोरोफिल से वजन कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, स्किन, एक्ने, कॉन्स्टिपेशन और गैस ठीक होता है वगैरह। इसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है और ये सेफ है सबके लिए। इससे सन से डैमेज स्किन ठीक होती है, रेड ब्लड सेल्स की क्वालिटी बढ़ती है और बॉडी भी डिटॉक्स होती है। इसे पीने के 15 से 30 मिनट बाद एक पोर्शन ग्रीन गॉडेस सैलेड का खाना है। क्लोरोफिल पीने के बाद ज़्यादा गैप ना दें। जो रेसिपी मैं दिखा रही हूँ ये पूरे दिन के लिए है, जिसका मतलब है आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कवर्ड। बस एक बार बनाएं और दिन भर खाएं। इस सैलेड को बनाने के लिए एक बड़ा सा बोल लें। अब पत्ता गोभी को फाइनली चॉप करें और बोल में शिफ्ट कर लें। अगर गोभी काफ़ी बड़ी हो तो आधी ही लें। जितना फाइन चॉप करेंगे उतना मिक्स करने में और खाने में आसानी होगी। कैबेज में फैट कम और फाइबर काफ़ी है। इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग विटामिन सी और बीटा कैरोटीन। ये महंगी नहीं है और सारे साल मिल जाती है। इसमें काफ़ी कम कैलोरीज हैं और आपको काफ़ी टाइम तक फुल रखेगी और इससे ओवरऑल कैलोरी इनटेक कम होगा। नेक्स्ट, हरे प्याज या स्प्रिंग अनियन चॉप करें। इनमें काफ़ी सल्फर है जिससे कैंसर का रिस्क कम होता है और ये ब्लड शुगर मेंटेन रखते हैं। इनमें भी कैलोरीज कम है, फाइबर काफ़ी है और वजन कम और डाइजेशन ठीक रहता है। तीसरा है खीरा। 1 या 2 खीरा लें साइज के हिसाब से। इन्हें भी फाइनली चॉप कर बोल में शिफ्ट कर लें। कैबेज के जैसे खीरे में भी कैलोरीज कम, फाइबर काफ़ी है और मेनली इनमें पानी है। नेक्स्ट, सैलड को हल्का खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए 2 कीवी यूज़ कर रही हूँ। कीवी में काफ़ी विटामिन सी, के, फाइबर, फोलेट और पोटेशियम है। इनमें भी कैलोरीज कम है और वजन कम होता है। कीवी की जगह अनानास भी डाल सकते हैं या आप इस स्टेप को कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी फ्रूट्स स्किप कर दें। एंड में 3 हरी मिर्च डालें। इनसे टेस्ट बढ़ता है और सैलेड में स्पाइस आता है। अब हमें सैलेड की ड्रेसिंग बनानी है। एक ब्लेंडर जार लें और 1/4 कप अनसॉल्टेड काजू, 1/4 कप अखरोट या बादाम, 1/4 कप न्यूट्रिशनल यीस्ट और 1/8 कप चाइव्स डालें। अगर फ्रेश चाइव्स ना मिले तो ड्राइड डाल लें या स्किप कर दें। 2 नट्स अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो भले 1 नट स्किप कर दें। न्यूट्रिशनल यीस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये महंगे नहीं होते। इसमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स हैं और ये हमारी एनर्जी बूस्ट, स्किन और हेयर हेल्थ, इंसुलिन सेंसिटिविटी और गट हेल्थ बढ़ाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो न्यूट्रिशनल यीस्ट अपने डाइट में लाना शुरू कर दें, काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इस सैलेड में और प्रोटीन लाने के लिए मैं 1/4 कप हेम्प हार्ट्स ले रही हूँ। अगर ये आपके यहाँ नहीं है तो भीगे हुए चिया या सब्जा ले लें। नेक्स्ट, 2 से 4 नींबू का जूस डालें। मेरे पास काफ़ी बड़े नींबू हैं इसलिए 2 यूज़ किए हैं। फिर 1 स्प्लैश ACV विद मदर का डालें। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। अब 1/4 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें। फिर थोड़े से पालक के पत्ते, बेसिल लीव्स, 2 छोटे प्याज और 2 लहसुन के कलियां डालें। बेसिल लीव्स नहीं है तो पुदीने के पत्ते डाल लें। अब नमक स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ पर हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन कम होता है। और लास्ट में 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें। आप चाहें तो कीवी और हरी मिर्च इस समय भी ऐड कर सकते हैं अगर चॉप नहीं करना चाहते हैं तो। अब सबको ब्लेंड करें, प्योरे बना लें।
अब ड्रेसिंग को बोल में शिफ्ट करें। सारी सब्जियों को अच्छे से ड्रेसिंग के साथ मिलाएं और अब हमारा हेल्दी और डिलिशियस ग्रीन गॉडेस सैलेड तैयार है। इसका टेस्ट, ब्राइट ग्रीन कलर और हर्ब्स की खुशबू से आपको इस सैलेड से प्यार हो जाएगा। इस सैलेड को आपको दिन में 3 बार रेगुलर मील्स की जगह खाना है। ज़्यादा बनाकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक लास्ट करेगा। देखने में काफ़ी सारा मील प्रेप लगेगा लेकिन बनाना आसान है और फिर पूरे दिन कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो 2 से 3 दिन का एक साथ बना लें और फिर कुकिंग की छुट्टी। अपने साथ आपकी पूरी फैमिली इसे एंजॉय कर सकती है। मैंने आपकी कंट्री का ध्यान रखते हुए इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स दिए हैं और बहुत सारे आइटम्स आपको स्किप करने का ऑप्शन भी दिया है, इसलिए कोई बहाना नहीं। जो नहीं है या नहीं ला सकते हैं ना डालें, लेकिन बनाएं और ट्राई करें। अगर मील्स के बीच में भूख लगे तो एप्पल और 1 से 2 केले खाएं। केले से आपको पोटेशियम और हेल्दी कार्ब्स मिलेंगे जिससे आप एक्टिव रहेंगे। इस डाइट में विटामिंस जैसे विटामिन सी, मिनरल्स और गुड फैट्स काफ़ी हैं और ये सबके लिए सेफ है, इंक्लूडिंग PCOS, PCOD, डायबिटीज, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स। थायराइड पेशेंट्स पत्ता गोभी की जगह लेटस या कैरेट्स लें या फिर ना फॉलो करें। और प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स पैस्चराइज्ड ACV लें, मदर के साथ वाला नहीं। इस डाइट को 3 दिन फॉलो कर आप 5 किलो तक कम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सबको सेम रिजल्ट्स ना दें। कुछ ब्लोटेड फील कर सकते हैं इतनी सारी सब्जियां खा के, इसलिए अगर ज़्यादा फर्क ना दिखें तो 7 दिन या 10 दिन तक फॉलो करें 10 किलो तक लूज़ करने के लिए। ग्रीन गॉडेस सैलेड डाइट कैलोरीज में कम, गुड फैट, फाइबर और प्रोटीन में काफ़ी हाई है और काफ़ी आसान तरीका है इतने सारे ग्रीन्स को अपने डाइट में लाने का, जिससे आपकी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स चेंज होंगे। आपने कभी इतनी सब्जियां एक साथ नहीं खाई होंगी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको पसंद आएगा। इस डाइट को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टा और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैं जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक गो ग्रीन एंड स्टे लीन। बाय बाय। It's not a game, it's a rich.